प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर भोपाल में बीजेपी के जिला कार्यालय की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यालय को सुविधाजनक बनाया गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये दफ्तर तैयार हुआ है और अब यहां आने वाले दिनों में सरगर्मियां नजर आएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी में जिला कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अटल जी के पूरे जीवन को प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है, जिसमें अटल जी के जन्म से लेकर उनके प्रधानमंत्री तक बनने का सफ़र का इसमें जिक्र है। और अगर हम बात करें इस बीजेपी जिला कार्यालय की, तो ये बिल्कुल सुसज्जित एक नया भवन बना है। हालांकि ये जिला कार्यालय पहले भी था, लेकिन तमाम सुविधाएँ यहाँ नहीं थी। जो कंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन अब बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और एक बेहतर जिला कार्यालय यहाँ बीजेपी का हमको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जो जिला बीजेपी के नेता हैं, जिले से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकें वो सब यहीं आयोजित होंगे। हम बात करते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से। नगर निगम चुनाव भी सामने हैं, तो इसको हम भोपाल के लिए एक शक्ति का केंद्र मान सकते हैं कि तमाम बैठक यहाँ होगी, तमाम फैसले जिले के जो होंगे बड़े फैसले वो यहाँ से लिए जा सकेंगे। देखिए, निश्चित तौर से किसी भी संगठन का काम उसके कार्यालय से ही शुरू होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय निश्चित तौर पर शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित होगा और हम सब लोग मिलकर इस कार्यालय में बैठकर ताकत के साथ हमारी विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में जिला कार्यालय बनाए जा रहे हैं बीजेपी के, और भोपाल का जिला कार्यालय भी आपने देखा कि सुसज्जित एक बहुत आलिशान एक कार्यालय बना है। और निश्चित रूप से जब नगर निगम चुनाव है आने वाले वक्त में, ऐसे में ये कार्यालय एक शक्ति का केंद्र बनेगा। कैमरा आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।